जय हिंद दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पता है क्या है? वो है ETF इन्वेस्टिंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी हां, और ETF की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है कि ETF में आप बहुत कम रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास 50 रुपए है, 100 रुपए है, 150 रुपए है, 200 रुपए है, तब भी आप अपना इन्वेस्टिंग ETF से शुरू करके करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ETF में इतना ताकत है। और ETF की सबसे बड़ी बात है कि भैया ETF एक पूरे पोर्टफोलियो को, सेक्टर को टारगेट करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक को। तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत कम है अगर आप सही तरीके से ETF में अपना पैसा लगाते हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, छोटा मोटा धंधा करते हो, जॉब करते हो, तो आप यहां से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। बस आपको यह समझना है कि ETF में पैसा लगाए कैसे और कौन कौन से ETF है जो आज के समय सबसे बढ़िया है, जिनमें आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट ETF बताने वाला हूं जिनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। पैसा कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कितने समय तक लगाना है और कितना पैसा बनाओगे और कैसे लगाओगे, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो भैया एक ऐसा कमेंट कीजिए जाकर अभी, जिससे मजा आ जाए। और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मैं आपको करोड़पति बनाकर रहूंगा, इसका मैं आपको वादा करता हूं। बस आप चैनल पर बने रहिए और मेरी बात सुनो। देखो, जब हम ETF की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, तो स्टेप नंबर 1, थिंग्स टू चेक। देखो, कुछ चीजें होती है ना, हमें ETF के बारे में चेक करना पड़ता है। जब भी मैं आपको यह बताऊं कि भैया ETF में पैसा लगाना है, तो ETF में पैसा लगाने से पहले कुछ चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। अभी बहुत भाई बंधु होंगे जो भैया नए होंगे मेरे चैनल पर, या ETF के बारे में जिनको ज्यादा पता नहीं होगा, तो घबराओ मत। आपको भी मैं वीडियो तक में बताते चलूंगा कि ETF क्या होता है, क्या फायदा है, कैसे आप काम करोगे, कैसे पैसा कमाओगे, सारी चीजें, डोंट वरी। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको चेक करना है किसी भी ETF में पैसा लगाने से पहले, कि उस ETF का एक्सपेंस रेशियो कम है कि नहीं। देखो, ETF जस्ट शेयर्स के तरह आप उसको खरीद सकते हो। जैसे आप किसी इंडिविजुअल शेयर को खरीदते हो ना, जैसे रिलायंस का शेयर हो गया, टाटा का शेयर, अंबानी, अडानी, कोई भी शेयर जब जो आप खरीदते हो, अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो, अपस्टॉक वगैरह, कोई भी डीमैट अकाउंट आपने खोला, उसमें गए, उसमें रिलायंस का शेयर आपको पसंद आया, आपने बाय बटन क्लिक करा, आपके बैंक आपके डीमैट अकाउंट में वो ETF आ जाएगा, वो शेयर आ जाएगा। सेम उसी तरीके से ETF को भी खरीदना है। ETF को खरीदने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि वो जो ETF है, जो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो जो फंड चल रहा है, जिस जो वो फंड की एक्चुअल कमाई है, वो कमाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा फालतू का ज्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए। मतलब नहीं समझे, मैं बताता हूं। मान लो कि ये आप हो, दिस इज यू, ओके, ध्यान से समझो, और ये है शेयर मार्केट, ठीक है? ये है शेयर मार्केट। चलो शेयर मार्केट को भी एक इंसानी बना देते हैं, ठीक है? वैसे मेरी राइटिंग, हैंड राइटिंग या ड्रॉइंग थोड़ी खराब है, तो थोड़ा समझ लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? तो आपको मान लो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, लेकिन आपके पास उतना शेयर मार्केट का एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप क्या करोगे कि आप ये पैसा खुद से शेयर मार्केट में ना लगा के आप ये पैसा लगा दोगे कहां पे? ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। अब ये जो ETF होगा, ये हो सकता है ये ग्रुप ऑफ शेयर्स हो, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो, किसी इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो, तो ये जो ETF होगा ये आगे आपका पैसा शेयर्स में ही लगाएगा। और जैसे जैसे इस ETF का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे आप पैसा कमाते चले जाओगे। सिंपल, मान लो आज आपके पास 1,00,000 है आज के समय शेयर्स मार्केट में लगाने को, और अगर आपको कोई ETF दिखता है जो कि क्या है, जो कि है स्मॉल कैप ETF, राइट, जो कि है स्मॉल कैप ETF, ठीक है? अब इसे स्मॉल कैप ETF का मतलब है कि अगर आप इस ETF में पैसा लगाओगे तो इनडायरेक्टली आपका पैसा इस ETF के थ्रू जितने भी बड़े बड़े स्मॉल कैपिटल कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा लग जाएगा, और वो जो स्मॉल कैपिटल कंपनी के शेयर प्राइजेस अगर अप होंगी तो इस ETF का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है? आज मान लो आपने खरीदा 100 रुपए का एक ETF, राइट, 100 रुपए का एक ETF, और आपने 1,00,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया, जो आपको टोटल 1,000 क्वांटिटी मिला है उस ETF का, कल को इस ETF का 100 से अगर ये 200 हो जाता है इसका प्राइस बढ़ के, तो आपको 100 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। सिंपल, बस यही ETF होता है और कुछ नहीं। तो ये जो ETF है, ये जो ETF जिस तरीके से काम करता है, ये जो पूरा पूरी फंड है, ये फंड आपसे कुछ एक्सपेंस चार्ज करता है, और ये एक्सपेंस आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये इंटरनली डिडक्ट हो जाता है, राइट, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें। तो उस ETF का जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा, जितना कम, मान लो इसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपके 1,00,000 रुपए में से 1% कट जाएगा और 99,000 रुपए आगे ETF में इन्वेस्ट होगा, राइट, पूरे साल भर के लिए, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो ETF है उसमें जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा, वो ETF कहीं ना कहीं उतना बढ़िया है, ठीक है?
इसके बाद आगे आपको देखना है कि ETF में हाई लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है भैया कि आपने उस ETF को खरीद लिया, अपना खून पसीने का मेहनत, चलो 100 रुपए आपने लगाया बट उसको खरीद लिया। अब अगर उस ETF में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, वो ETF में लोग ज्यादा खरीद बेच नहीं कर रहे हैं, तो कल को जब आप उस ETF को किसी को बेचने जाओगे तो वो बिकेगा ही नहीं, वो लिक्विडिटी ही नहीं होगा, उसमें वॉल्यूम ही अच्छी नहीं है, कोई सामने बायर होगा ही नहीं जो इसको आप बेच पाओगे, तो आपका पैसा फंस जाएगा। और धंधे में ना कभी पैसा फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि भैया अगर पैसा फंस गया तो सारा खेल खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसमें कोई फायदा नहीं है पैसे लगाकर। इससे बेटर है कि उस पैसे को किसी को ब्याज में दे दो, उस पैसे को FD में डाल दो, ठीक है। तो इसीलिए लिक्विडिटी काफी अच्छी होनी चाहिए, वॉल्यूम काफी अच्छी होनी चाहिए। एंड लास्ट में होता है लो ट्रैकिंग एरर। लो ट्रैकिंग एरर का मतलब क्या कि मान लो, मैंने क्या बोला, मान लो कि जैसे ये एक ETF है, ठीक है ना, यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया भी, ये है स्मॉल कैप ETF, ठीक है ना। तो ये स्मॉल कैप ETF किसको ट्रैक कर रहा है? ये जितने भी स्मॉल कैप फंड होंगे उसको ट्रैक कर रहा है। तो स्मॉल कैप फंड, मान लो आपके सामने एक ETF है, ठीक है ना, आपके सामने एक ETF है जो कि है स्मॉल कैप ETF, ठीक है ना। अब ये स्मॉल कैप ETF किसके ऊपर बेस्ड है? स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर, ठीक है ना। अब मान लो स्मॉल कैपिटल इंडेक्स, ये है स्मॉल कैपिटल इंडेक्स, स्मॉल कैपिटल इंडेक्स अगर ऐसे ऐसे बढ़ती है तो आपका जो ETF है इसका प्राइस भी ऐसे ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट। ये ETF क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे स्मॉल कैप बढ़ेगी वैसे वैसे ETF का प्राइस बढ़ेगा। अब कल को अगर ऐसा होता है कि स्मॉल कैप जो इंडेक्स है ये ओवरऑल 18% से अप होता है, बढ़ता है, लेकिन जो ETF है ये मात्र 17% से ही अप होता है 18 के जगह, तो कहीं ना कहीं ट्रैकिंग में एरर हो रही है, क्योंकि इंडेक्स पूरा पूरी जो ग्रुप ऑफ फंड है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है लेकिन ETF उतना नहीं दे पा रहा है। और जबकि ETF का कहना है कि हम इस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, हम इस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पे ट्रैकिंग का कुछ एरर हो रहा है। तो ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, जितना आपका वो फंड, वो जो इंडेक्स है वो जितना रिटर्न दे उतना आपका ETF भी रिटर्न देना चाहिए उतने परसेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है देखना, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कौन कौन सा ETF है जिसमें हम पैसा लगा के बहुत पैसा कमा सकते हैं और ETF होता क्या है, चलो इसको हम साइमल्टेनियसली बताते चलेंगे आपको। डोंट वरी, देखो घबराओ मत, पैसा तो तुम बहुत कमाओगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं, भयंकर पैसा कमाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा ना भैया जब आप अपने गली मोहल्ले से गुजरोगे तो लोग आपको सल्यूट करेंगे, इतना पैसा आप बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। ये कोई लॉटरी नहीं है, दिस इज कंप्लीट एजुकेशनल चीज है, ठीक है। शेयर मार्केट कोई सट्टा बाजार या जुआ बाजार नहीं है, दो दिन में अमीर हो जाओगे। सब्र रखो, मेहनत करो, रिसर्च करो और पैसे कमाने पे ध्यान दो जो आप एक्टिवली अपना काम कर रहे हो। देखना एक दिन सोते सोते पैसा कमाओगे, इसका मैं वादा करता हूं, ठीक है। तो देखो करना क्या है कि सबसे पहला जो ETF है आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, वो है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 20, निफ्टी 20 करके ये ETF है, ठीक है। अब मैं एक बात बोल दूं कि मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूं ये पांचों ETF की, इसमें जाके पैसा अभी लगा देना, नहीं ये गलती मत करना प्लीज, मेरे या किसी के बात पर आके भी डायरेक्ट पैसा मत लगा दो। ये जो भी वीडियोस होती है ना एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, तो आप इनको देखो। अब आप इस वाले ETF को जाकर आपको खुद से एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करेंगे? तो चले जाओ ऐसे ही कोई वेबसाइट पे, जैसे टिकर टेप कोई वेबसाइट हो गया, स्क्रीनर कोई वेबसाइट हो गया, वैल्यू रिसर्च वेबसाइट हो गया, बहुत से वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। इवन आप अपस्टॉक पर ही रिसर्च कर सकते हो इन ETFs के बारे में, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो खुद से रिसर्च कीजिए। सबसे पहला जो ETF है वो है निपॉन इंडिया निफ्टी 50 20, ओके। और इसका चार्ट को अगर आप देखोगे इस वाले ETF का, तो इसके आज के समय एक यूनिट का प्राइस है मात्र 254 रुपए, 254 रुपीज, 250 रुपए से आज आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर आपको एक यूनिट खरीदना है आप एक ही यूनिट खरीदो, लेकिन खरीदो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो, देखो देखो कि कैसे आप मात्र 250 रुपए से आज आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला ETF इतना सस्ता होता है। और ये तो कुछ नहीं, आने वाले सामने के और जो ETF है वो तो और सस्ते होंगे, और सस्ते, ठीक है। तो घबराओ मत, देखो यहां पर इस ETF का अगर आप चार्ट देखोगे तो इस ETF का आपको चार्ट में देखने को मिलेगा कि आज तक मैक्सिमम ऑल टाइम इसने 196% का रिटर्न दिया है आज तक। और ये ETF लॉन्च हुआ था साल 2014 में, मतलब पिछले 10 साल में इसने 196% का रिटर्न दिया है। सोच के देखो, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आपको हर साल 18 से 20% भी रिटर्न मिल जाता है तो भैया आप करोड़पति बन गए, और कुछ नहीं चाहिए, हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा,
ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ETF काम कैसे करता है, तो देखो इसका ग्राफ को आप नोटिस करो कि जब से ये लॉन्च हुआ है साल 2014 से, तब से लेकर इसका ग्राफ आज तक ऊपर ही गया है। यहां पर एक डिप आया था, और ये डिप पता है क्या है, ये डिप है भैया कोविड, ये कोविड का डिप है। जब कोविड के समय निफ्टी गिर गया था तब इस ETF का प्राइस भी गिर गया था, लेकिन उस समय जिन लोगों ने इस ETF को खरीदा होगा आज वो भयंकर पैसा कमा कर बैठे हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे काम कर रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली में, थोड़ा ये समझाइए। तो डोंट वरी, देखो ये जो ETF है ये है निपॉन इंडिया निफ्टी 50/20, ठीक है। और ये जो निपॉन इंडिया निफ्टी 50/20 है ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भैया आपका पैसा जो है वो हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लगा देंगे, किसके ऊपर, निफ्टी 50 के ऊपर। अब निफ्टी 50 जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, निफ्टी 50 गिरेगा तो इसका प्राइस भी गिरेगा। अब देखो अब क्या है कि जो ये निफ्टी 50 है, मान लो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, इसको क्लियर करो एक सेकंड, ये देखो ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक है। मान लो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 ऐसे 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 करके बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो ETF है, ये जो निफ्टी 20 है, ये डायरेक्ट ट्रैक कर रही है आपके निफ्टी 50 को। तो अगर निफ्टी 50 बढ़ रही है तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा, सिंपल। और अगर निफ्टी 50 नीचे आएगी तो इसका प्राइस भी नीचे आएगा। और एक बात आप जान लो, ETF में जो ताकत है वो ना किसी पर्टिकुलर शेयर में है और ना ही वो ताकत आपका म्यूचुअल फंड में है जो ETF में है। ETF क्या होता है, ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये ETF आपके शेयर्स के तरह ही आपके एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहे हैं, NSE BSE पे। इसको आप किसी शेयर के तरह ही खरीद सकते हो, लेकिन ये काम आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड करती है, लेकिन ETF जो है ये भी AMC प्रोवाइड करती है, लेकिन ETF जो है वो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और वो म्यूचुअल फंड एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है वो डे के एंड में डिसाइड होता है। आज जो आप म्यूचुअल फंड का जो प्राइस देख रहे हो किसी भी म्यूचुअल फंड का, वो कल के दिन का प्राइस होगा, लेकिन ETF जो है ये करंट मार्केट का प्राइस ट्रैक करता है। तो आज के समय दोपहर को 12:30 बजे मान लो अगर निफ्टी 50 गिरता है तो 12:30 बजे इसका प्राइस भी कम हो जाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में ये चीज नहीं होगा, ETF में होगा। तो ETF के केस में आप एवरेजिंग भी कर सकते हो। एवरेजिंग का मतलब है कि भैया मैंने आपको क्या बोला, ये जो ETF है ये निफ्टी 50 पे बेस्ड है, और निफ्टी 50 आपको पता है कि आज के समय ऑल टाइम हाई पे है। आप डायरेक्ट निफ्टी में जाके पैसा नहीं लगा सकते हो, आप इधर निफ्टी का ETF खरीद सकते हो या फिर आप निफ्टी का म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, इंडेक्स फंड में, ठीक है। तो आज के समय आपको पता है कि निफ्टी 50 हमेशा लंबे समय में ऊपर जाएगी ही, क्योंकि निफ्टी 50 हमारे देश की GDP है, हमारे देश का इकोनॉमी है। मैं बार बार ये बातें लोगों को बोल चुका हूं, बार बार कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो निफ्टी 50 जब आपको पता है कि लंबे समय में वो उसको ऊपर जाना ही है, अगर आज कोविड आता है तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन कोविड आने से क्या हो जाएगा, आज के समय निफ्टी 50 हमेशा ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है। 2020-21 का जो समय था उस समय निफ्टी 50 नीचे गिर गया था ड्यू टू कोविड, लेकिन आज निफ्टी 50 फिर से ऊपर जा चुका है। तो 2020 में अगर किसी ने ETF में पैसा लगाया होता भर भर के, तो आज उसका पैसा कितना ऊपर जा चुका है सोच के देखो। उस समय तो उसको ETF कितना सस्ता पड़ रहा होगा, कितना ज्यादा सस्ता। और अगर किसी ने यहां पर बहुत सारे यूनिट खरीदे होते तो आज वो भयंकर पैसा कमा कर बैठे हैं अनडाउटेडली। तो यही ताकत होता है ETF में, जिसको कहते हैं पावर ऑफ एवरेजिंग। आप गिरते हुए मार्केट में भी और खरीद सकते हो, लेकिन ये काम आप किसी शेयर में नहीं खरीद सकते हो। याद होगा आपको यस बैंक का शेयर, यस बैंक का शेयर एक टाइम पे कितना ऊपर था और आज वो गिरते गिरते कितना नीचे जा चुका है। तो कोई शेयर अगर गिर रहा हो तो उसमें आप एक हद तक खरीद सकते हो, ज्यादा गिरने पर आप सतर्क हो जाओगे कि क्या भैया, अगर मान लो रिलायंस आज गिरते चली गई 80-90% गिर गई, तो क्या आपके अंदर इतना हिम्मत होगा कि आप रिलायंस पे पैसा लगाओ? नहीं, आप सोचोगे भैया कंपनी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि गिरे जा रही है शेयर, तो आप उस समय पैसे नहीं लगा पाओगे। लेकिन निफ्टी के केस में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निफ्टी तो हमारे देश का इकोनॉमी है और हमारे देश को तो ऊपर जाना ही है अल्टीमेटली। इसीलिए आप ETF के केस में एवरेजिंग कर सकते हो, गिरते हुए मार्केट में और खरीद सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं सेकेंड ETF के बारे में, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट ETF है, मुझे बड़ा मजा आता है इस ETF के बारे में बात करके। ये जो है ये है HDFC स्मॉल कैप 250 ETF। ये जो ETF है ये HDFC स्मॉल कैप 250 ETF है। ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब ध्यान से समझो। देखो ये जो ETF मैंने आपको बताया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझो, देखो तीन तरीके के आपके
तीन तरीके के आपके मार्केट कैपिटल होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है लार्ज कैप। लार्ज कैप मतलब भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी, ठीक है। तो लार्ज कैप, मिड कैप मतलब भारत की मिडिल साइज की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज, एंड स्मॉल कैप जो कि सबसे छोटी कंपनीज है, कल को वो लार्ज कैप बन सकती है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको कहां मिलेगा, स्मॉल में, मिड में या लार्ज में, आप एक बार सोच के देखो। देखो मैं आपको बताता हूं, लॉन्ग टर्म में अगर मैं लंबे समय की बात करूं, मान लो आज साल 2024 है, आज आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और अगले साल 2044 तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगले 20 साल तक, तो आप अपना पैसा चाहे मिड में लगाओ, चाहे स्मॉल कैप में लगाओ, चाहे आप लार्ज कैप में लगाओ, आप पैसा कमाओगे। ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूं, आप पैसा कमाओगे। आज से ज्यादा तो पैसा आपका बनेगा अगर आप लंबे समय तक होल्ड करते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप का ग्राफ लंबे समय में कुछ ऐसा बढ़ता है, ठीक है। बढ़ तो ये भी रहा है, देखो यहां से यहां तक चला गया, यह है लार्ज कैप। और उसके बाद जो मिड कैप आता है, वो उसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे ऐसे भागता है, मतलब लार्ज कैप के थोड़ा ऊपर, ये होता है मिड कैप। और सबसे ऊपर जो ग्राफ होता है वो होता है भैया, ध्यान से देखो, स्मॉल कैप, मतलब भारत की सबसे छोटी छोटी कंपनीज, जो साल 2024 में बहुत छोटी थी लेकिन साल 2044 तक जाते जाते वो रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, वो होता है स्मॉल कैपिटल कंपनी, या फिर स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप फंड, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अगर आपका पैसा कहीं ना कहीं स्मॉल कैपिटल फंड में, स्मॉल कैपिटल इंडेक्स में, स्मॉल कैपिटल म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैपिटल ETF में लग रखा है लंबे समय तक, तो आप लार्ज कैप और मिड कैप से सबसे ज्यादा पैसे कमाओगे, ठीक है। और यही चीज जो है ट्रैक करता है HDFC स्मॉल कैप 250 ETF, ठीक है। तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करता है, ये स्मॉल कैपिटल ETF है, और इसका जो करंट यूनिट का प्राइस है आज के समय, वो है 163 रुपीस। मात्र 160 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और जब ये ETF शुरू हुआ था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये मात्र 90 रुपए का था आज से एक साल पहले, मात्र 90 रुपए का, और एक साल के अंदर अंदर ये जा चुका है यहां पर 163 रुपीस में। ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो चुका है आज के समय, एक साल के अंदर अंदर। मतलब पिछले साल 2023 में आपने इसमें मान लो 1 लाख रुपए लगाया होता, तो आज ये पैसा आपका 2 लाख के आसपास बन चुका होता। इतना ज्यादा तेजी से आपका पैसा यहां पर डबल हुआ है, सोच के देखो। तो ये फायदा होता है। अब इतनी तेजी से क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये स्मॉल कैपिटल कैटेगरी का ये ETF है, ये स्मॉल कैपिटल फंड को ट्रैक करता है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि स्मॉल कैपिटल जो ETF होता है, ये सबसे तेजी से बढ़ता है, सबसे तेजी में। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है ना, तो सबसे तेजी में भी यही गिरता है, ये भी याद रखना। रिस्क भी मैं आपको बता रहा हूं, रिटर्न भी बता रहा हूं, लेकिन मैंने बार बार बोल रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लंबे समय तक होल्ड करोगे तो आप बहुत पैसा कमाओगे। तो विजन लंबा रखो, अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर रहे हो ना, तो ये जो गिरावट वगैरह है ना, इसको आप पार कर जाओगे। सिंपल, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है जो मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया है, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट, जो थर्ड नंबर पे, जो टॉप थर्ड नंबर पे जो ETF आता है, वो है निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ETF। निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ETF, ये जो ETF है, ये ट्रैक करता है किसको, ये ट्रैक करता है मिड कैप। अब देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया निफ्टी 50 मतलब क्या, कहीं ना कहीं लार्ज कैप, तो मैंने आपको सबसे पहले लार्ज कैप वाला बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्मॉल कैप, और तीसरा अभी मैं आपको बता रहा हूं मिड कैप ETF। अब ये जो ETF है, ये क्या है, ये आपका मिड कैप कैटेगरी का आता है। ये देखो, मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी बताया कि भैया देखो, मिड कैप भी कितनी तेजी से लंबे समय में ग्रो करता है। तो अगर आपके पास टाइम होराइजन बड़ा है, अगर आपका टाइम होराइजन बड़ा है, अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो, तो मिड कैप कंपनीज जो होने वाली है, वो आने वाले कल का रिलायंस TCS होने वाला है, आने वाले कल का। मतलब अगर ये लार्ज कैप कंपनीज है, तो ये मिड कैप कंपनी है, और ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये जो मिड कैप कंपनी जब लार्ज बनेगी, तो सोचो आपका पैसा कितना गुना, कितने टाइम्स डबल होगा, राइट। अब आप बोलोगे सर, मार्केट गिरने पे ये भी गिरेगा। बिल्कुल, जब मार्केट गिरेगा तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी वाला जो जितना भी ETF है वो गिरेगा। जब मार्केट गिरेगा तो उसके बाद, स्मॉल कैप के बाद
मिड कैप गिरेगा और सबसे लास्ट में लार्ज कैप गिरेगा। लेकिन जब मार्केट उठेगा, जब मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो सबसे जल्दी स्मॉल कैप बाउंस बैक करेगा, उसके बाद मिड कैप एंड लास्ट में लार्ज कैप। ठीक है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप मिड कैप में भी अपना पैसा लगा सकते हो। और ये जो मिड कैप ETF है, ये काफी शानदार और काफी बेहतरीन ETF है। इसका ट्रैकिंग एरर वगैरह काफी बढ़िया है। इसका जो आज के समय एक यूनिट का प्राइस है, ये कितना है? ये मात्र 200 रुपए। कितना? मात्र 200 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। और साल 2019 पे ये मात्र 60 रुपए का था। साल 2019 में ये मात्र 60 रुपए का था और आज के समय ये ETF 3 गुना, मतलब ऑलमोस्ट यहां पे आप देख सकते हो डबल से भी ज्यादा हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। ये कितना ज्यादा रिटर्न इसने निकाल के दिया है, 277% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है साल 2019 से लेकर आज तक। इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ भी लंबे समय में ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये फायदा होता है इस ETF का, आप इसमें भी चेकआउट कर सकते हो। अगला जो ETF है, फोर्थ नंबर ETF, ध्यान से सुनिएगा भैया, यहां तक अगर आपने देखा है ना और अभी तक अगर आपने कोई कमेंट नहीं करा है तो कमेंट कीजिए। देखिए, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट करने की वजह से आपके जैसे और भी लोग ऐसे ऐसे हैं जिनको मदद मिलेगा, जिन तक YouTube ये वीडियो रिकमेंड करेगा और भैया वो भी पैसा कमाएंगे। देखो, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है ना, जैसे क्या कहते हैं, जैसे हम मान लो हमें कोई चीज फॉर्मूला पता चलता है, हमें कोई राज पता चलता है, तो वो राज हम अपने तक रखना चाहते हैं। लेकिन शेयर मार्केट की दुनिया में ये नहीं है। अगर आप अपने दोस्त को इन्वेस्टमेंट करने बोलोगे या आपके जैसे सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे एक शेयर में, तो शेयर की प्राइस भागेगी। और अगर आपने उसमें अपना पैसा लगाया होगा तो आप भी पैसा कमाओगे, सिंपल। तो शेयर मार्केट में कुछ भी छुपा के रखने वाला बात नहीं होता है। अगर आपको कोई बढ़िया चीज पता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वो भी पैसा कमाएंगे, आप भी पैसा कमाओगे। दोनों लोगों का मिलकर पैसा लगेगा तो उस एसेट की भाव ज्यादा तेजी से भागेगी, सिंपल। बस यही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो ETF है, यह है भैया CPSE ETF। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ETF। मतलब ये जो ETF आपसे पैसा ले रही है, ये जो ETF आपसे पैसा आज मांग रही है, ये जो पैसा आप इसमें लगाओगे, आज के समय इसके एक यूनिट का प्राइस है कितना रुपए? देखो, 89 रुपीज इसके एक यूनिट का आज के समय प्राइस है। 100 रुपए से भी कम इसके यूनिट का, एक यूनिट का प्राइस है आज के समय। और ये कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ETF है। तो ये जो 89 रुपीज आपसे लिया जाएगा, ये पैसा लगेगा किसमें? जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो सरकारी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनमें आपके पैसे को लगाया जाएगा, राइट? और आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो आज के समय कितना भयंकर रिटर्न दे रही है साल 2024 में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इसीलिए आप इसका ग्राफ जब देखोगे तो साल 2015 पे ये मात्र 24 रुपए में हुआ करता था और आज ये ऑलमोस्ट 90 रुपए में जा चुका है, ऑलमोस्ट 90 रुपए में। इसका ग्राफ देखोगे कि ये लंबे समय तक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था, लंबे समय तक इसमें जीरो रिटर्न था। लेकिन आज के समय जो इसमें रैली आई है पब्लिक सेक्टर में, उसके बाद से इसका प्राइस यहां पर जा चुका है, इतना ऊपर, मतलब भयंकर तेजी से इसका प्राइस बढ़ा है। तो अगर आपका पैसा भी अगर यहां पर लगा होता, अगर आपने भी यही 20 रुपए, जिसका आप कोका कोला पी जाता हो, यही 20 रुपए जिसका आप कोई चॉकलेट खा जाते हो, समोसा खा जाते हो, ये पैसा अगर आप एक इन्वेस्ट कर देते तो आज आपका पैसा कहां जा चुका होता, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, तो ये है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो ETF है, वो है, मैंने आपको ये भी बता दिया। एंड लास्ट जो ETF है, ये भैया है आपका निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। क्या? गोल्ड 20, ध्यान से सुनना, ये जो फिफ्थ नंबर ETF में आपको बता रहा हूं, ये पैसा आपका लग रहा है गोल्ड में, गोल्ड में, ओके? ये जो ETF है, ये गोल्ड के भाव के, सोने के भाव को ट्रैक करता है। और सोना का भाव जैसे जैसे ग्लोबली बढ़ेगा, मार्केट में बढ़ेगा, वैसे वैसे इस ETF का प्राइस बढ़ेगा। अब आप बोलोगे, हैं सर, हम तो सिर्फ शेयर मार्केट समझ रहे थे। नहीं, ETF बहुत कैटेगरी का होता है। ETF कमोडिटी भी होता है, ETF सेक्टोरल भी होता है, ETF पर्टिकुलर किसी कंपनी का, फंड का, मार्केट कैपिटल का भी होता है, बहुत तरीके के ETF होते हैं। तो उन्हीं में से एक ETF है ये गोल्ड 20। और गोल्ड 20 के बारे में मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए, गोल्ड हमेशा ऊपर जाएगा। हाँ, शेयर से थोड़ा कम रिटर्न गोल्ड में मिल सकता है, लेकिन गोल्ड को ऊपर जाना ही है, बिकॉज गोल्ड is comes under precious metal। और गोल्ड, सोना, हमारे भारत देश में सोने की क्या इंपॉर्टेंस है यह बताने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, हम सबको पता है कि सोने का प्राइस हमेशा ऊपर जाएगा, कभी भी सोने का प्राइस ऊपर जाकर नीचे नहीं आता, ये ऊपर ही जाता है। सोना हमेशा महंगा होता है, सोना तो प्रेस्टीज है हमारे सोसाइटी का आज के समय। ठीक है,
तो ये जो ETF है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज, इसके एक यूनिट का प्राइस है मात्र 62 रुपए, मात्र 62 रुपीज। और जब ये ETF शुरू हुआ था साल 2007 में, तब इसका भाव था मात्र 9 रुपीज। 9 रुपए का मिल रहा था साल 2007 में ये ETF, और आज ये बढ़ बढ़ के कहां जा चुका है आप देख सकते हो। तो ये होता है फायदा इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया होता आज से कुछ साल पहले, या फिर आज ये इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो भैया आपको ना फाइनेंशियली कभी भी कुछ चीजें की किल्लत नहीं पड़ेगी, पैसे की किल्लत आपको कभी नहीं पड़ेगी, आपको पैसे के लिए कभी काम करना नहीं पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, राइट। ये चीजें बस आप ध्यान रखिए, अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। देखिए ये जो 100, 200, 300 रुपए है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय। इतना एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी में ट्रैवलिंग में खर्च कर देता है, मेट्रो में खर्च कर देता है, बस में खर्च कर देता है, लड़की के पीछे खर्च कर देता है। तो यही पैसा अगर आप अपने करियर में, ये पैसा अगर आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए लगाओगे, तो आप सोच के देखो कि क्या कभी आपको पैसे की समस्या होगी। नहीं, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ जोक। आज भारत में, हमारे देश में 5% से भी कम लोग ऐसे हैं, मतलब मात्र 5% लोग भी ढंग से ऐसे नहीं हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और सोच के देखो, अगर हमारे देश के आधा जनता भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे, तो हमारा इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगा। यही फर्क है अमेरिका और इंडिया में, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूं कि प्लीज अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, कम पैसे से ही शुरू कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको जिंदगी में पैसा कमा कर देगा, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफ दूर करेगा। इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।